हेलो बच्चों, एक बेस्ट ट्रिक लाया हूँ जे नीट और इलेवेंथ क्लास के लिए। जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो उसमें इस कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करता है, जिसका दो इफेक्ट होता है, एक परपेंडिकुलर इफेक्ट होता है और दूसरा पैरेलल इफेक्ट होता है। तो पैरेलल इफेक्ट को फ्रिक्शन कहते हैं और परपेंडिकुलर इफेक्ट को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जो एक ब्लॉक है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसमें जैसे ही कांटेक्ट में आया, एमजी फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। परपेंडिकुलर फोर्स का सबसे पहले अप्लाई होगा ना, परपेंडिकुलर इफेक्ट होगा पहले, इसे नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन पैरेलल इफेक्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे, पैरेलल कंपोनेंट को फ्रिक्शन कहेंगे। इधर होगा रिलेटिव मोशन क्या कर रहा है, ये ट्री रेस्ट में है और ये मैन मूव कर रहा है, ठीक है। तो बॉय है ये, इसका रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इधर हो जाता है, इधर की ओर। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।